एक राजा ने एक दिन बड़ी ही अजीब इच्छा जाहिर की कि मेरे दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद है, एक मूर्ख भी होना चाहिए जिसकी बातों को सुनकर सबका मनोरंजन हो। राजा ने राज्य में प्रतियोगिता रखी। एक मूर्ख मिल भी गया। बहुत ही खास किस्म का ताज उस मूर्ख को पहनाया गया। राजा रोज दरबार में उस मूर्ख से कुछ सवाल पूछता और उसका जवाब सुनकर सारे दरबारी खूब हंसते। ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा बीमार पड़ गया। राज्य के सारे वैद्य हार चुके थे, राजा का बचना मुश्किल था। राजा अपना अंतिम वक्त हंसकर गुजारना चाहते थे, तो उन्होंने उस मूर्ख को बुलाया और उससे कहा, आज तक हम तुझसे प्रश्न करते रहे और तू उत्तर देता रहा, आज तू मुझसे प्रश्न कर, मैं उत्तर दूंगा। मूर्ख ने सवाल किया, राजन आप मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? राजा ने जवाब दिया, मेरे मालिक के पास, उस परमात्मा के पास। मूर्ख ने अगला सवाल किया, राजन वहाँ आप कितने दिन रहेंगे? राजा ने कहा, हमेशा हमेशा के लिए। मूर्ख ने फिर कहा, फिर तो आपने वहाँ के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए होंगे जिससे आपको कभी तकलीफ ना हो। राजा ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गया, वो कुछ भी कह ना पाया। अब उस मूर्ख ने अपना ताज उतारकर राजा के सर पर रखते हुए कहा, मुझे माफ करना राजन, पर इस ताज के असली हकदार मुझसे ज्यादा आप हैं। जहां रहना ही नहीं है वहां इतना बड़ा राज्य, और जहां हमेशा के लिए रहना है वहां के लिए कुछ भी नहीं। कड़वा तो बहुत है पर यही सच है। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम, वक्त की टहनी पे परिंदों की तरह हम, ये बात हम सब जानते हैं पर फिर भी इस बात को एहसास करते हुए जीते नहीं। तभी तो कहते हैं कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली छोटी